ठीक है भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, गेट बंद कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है भाई? अबे उसका मतलब बता। चार्ज जो है रेस्ट पर हो। ठीक है, देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब बात, अब शोर बंद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हम बात करते हैं, ये बहुत इनिशियल डेवलपमेंट्स की बात है। नहीं तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक जैसी चीज़ें नहीं है। ये माइक बंद है? हेलो, अच्छा ठीक है, ये चलने दो। आवाज़ आ रही मेरी? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज स्टैटिक स्टेट में हो या रेस्ट की स्टेट में हो, तो उसका जो भी बिहेवियर होगा दैट इज स्टडीड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, वैसे लेकिन लेटर डेवलपमेंट जो हुई है उसमें क्या है कि चार्ज जब मूविंग होता है तो वो दो तरह के फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ। इट जनरेट्स टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जो एक्सीलरेटेड चार्ज होता है वो क्या करता है? वो इन दोनों के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करता है ना? वो आपने सुना होगा रदरफोर्ड का मॉडल फ्लॉप हुआ था, है ना? और रदरफोर्ड निपट गए थे भाई, समझो बात को। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, केवल बेसिक बातें पढ़नी है कि चार्ज एकदम बिल्कुल रेस्ट पर जैसे बिहेव करता है वैसा बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि थोड़ा चार्ज के बारे में, हालांकि आपको आइडिया होगा, कोई आइडिया नहीं है? नाम तो सुना ही होगा चार्ज का, तो चार्ज क्या है आप बताओ, जिसने नाम सुना है आप बताओ, अब बताओ, खड़े होकर बताना पड़ता है भाई साहब। सर फंडामेंटल यूनिट है सर, चार्ज क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। फ्लो ऑफ करंट चार्ज मार दोगे तुम दो चार मास्टरों को, बैठ जाओ। देखो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए क्या है कि कई बार किसी चीज को डिफाइन करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिससे आप बहुत अच्छे से भी परिचित हो, इवन देन इफ यू हैव टू डिफाइन इट इन अ पर्टिकुलर टर्म्स, इट इज रियली डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउ, तो यू नो व्हाट इज काउ, बहुत अच्छे से परिचित हो गए, हो सकता दो चार लोग पाले भी हो घर में, बट उनसे बोलो कि काउ की डेफिनेशन सुनाओ तो उनकी जान आफत में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ऐसे ही चार्ज से भले से हम परिचित कितना भी हो, लेकिन उसकी हो जाएगा मामला, आप समझ ही रहे होंगे बात। तो देखिए, जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमसे बोला जाता है राइट एन एसे ऑन काउ, उसमें काउ की डेफिनेशन नहीं आएगी लेकिन ऐसे पूरा लिख देंगे भाई साहब, कितने पेज का लिखना, 5-6 पेज जितना बोलो, है ना? तो हम देखो, जब हमारे सामने चार्ज की बात आती है तो हम उसको बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन करने की जगह उसकी प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, है ना भाई? ये प्रॉपर्टीज आपको दिख जाएंगी तो वो असली काम है। अरे असली काम क्या भाई, जानना गाय की परिभाषा याद करके क्या होने वाला है, है क्या? तो अब चार्ज की हम प्रॉपर्टीज पर आएंगे। तो चार्ज कितने तरह का अपने नेचर में मिलता है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? देखिए नेचर में चार्ज दो तरह का है, उसे हमने दो तरह के जो चार्ज थे उनमें से किसी एक को पॉजिटिव कह दिया, दूसरे को नेगेटिव कह दिया। नेचर ने उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव डिफाइन नहीं किया है, है ना? अगर मान लो लोगों ने शुरुआत में प्रोटोनिक चार्ज को नेगेटिव कहा होता तो कोई समस्या ना होती, सारे लोग उसी से काम चला रहे हो। ठीक है, तो चार्ज को हमने, चार्ज दो तरह का है, हमने उन्हें दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, एक को बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को बोल दिया पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, हाँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल बातें हैं एकदम। अब चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज,
मैं अपनी तरफ से डिक्टेट नहीं करूंगा, आप लोग बताओ किसी को कोई प्रॉपर्टी पता हो तो। अच्छा हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, है ना। एक पॉइंट तो हमारे पास हो गया था कि भैया पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉइंट आ रहा है हाँ क्वांटाइज्ड भी होता है, और एक बात आई थी सेम हाँ लाइक चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट। ये बहुत बेसिक बातें चल रही हैं अभी, है ना। ये भी नेचुरल प्रॉपर्टी है। अब कोई मुझसे बोले कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल क्यों करता है, वो क्यों करता है क्या यार करता है बस, है ना। ये नेचर है, नेचर कैसे बिहेव करता है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो वैसे बिहेव करता है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई साहब ये जो है वह अर्थ जो है वो सन के चक्कर क्यों लगा रही, शनि महाराज के लगा लेती, है ना। तो वो लगा रही यार, अब उसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो आप लिख सकते हो, है ना, कि भाई इसमें एक फोर्स लगेगा, उस रूल को फॉलो करेगी वो, चक्कर तो वो लगा रही है तुम्हारे कहने से नहीं होगा, न्यूटन के पैदा होने से पहले से चक्कर लगा रही। लॉजिक नहीं है इसका कोई भी, ना 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 ना, उसकी तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है, लॉजिक वॉजिक नहीं है, लॉजिक थोड़ी चलता है कोई। नेचर तो अपना बिहेवियर, नेचर का जो बिहेवियर है वो तो एज इट इज रहेगा, आप उस बिहेवियर की जो बेसिक मैथ्स है वो स्टडी कर सकते हो। कई बार हमें साइंस में एक बहुत बड़ा भ्रम आ जाता है कि सब साइंस के हिसाब से चल रहा है, साइंस नेचर के हिसाब से चल रही है, साइंस के हिसाब से नेचर नहीं चल रहा। पहली बात ये ध्यान रखना, है ना, नेचर जैसे कर रहा है ऐसे यार कब से कर रहे हैं यार, मानव जाति ना होती तो क्या ये सब नहीं होता, ये सब जो हो रहा है। अभी मान लो लड़ाई ज्यादा बढ़ जाए, हाँ वही WW3 हो जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चांद क्या का बस, आप भाई सब साइंस खत्म हो गई तो आप नहीं घूमेंगे हम, अरे वो घूमेगा यार, ठीक है। खैर अभी एक टर्म आता है क्वांटाइज्ड, आता है ना। क्वांटाइज्ड क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन, हाँ बताओ बताओ मतलब क्या क्वांटाइजेशन, बताएगा कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताना पड़ता है भाई से। हाँ तुम बताओ, है पैकेट्स ऑफ चार्ज, ऐसे पैकेट मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुत सिंपल बातें हैं, इनसे हम बाहर निकलेंगे बहुत जल्दी। चार्ज क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये है कि यू आर हैविंग अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड वेन एवर यू विल गेट चार्ज इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट मिनिमम क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बाइंग अ मदर डेरी मिल्क पैकेट, आई एम चेंजिंग इट फ्रॉम सरस टू मदर डेरी यू नो, तो अगर आप मदर डेरी का मिल्क का पैकेट खरीदते हैं तो उसकी एक मिनिमम क्वांटिटी है, उसके मल्टीपल में मिलेगा, है ना। अगर आपने कहा भाई साहब ऐसा करो 350 ml मिल्क दे दो हमें मदर डेरी का, तो वो कहेगा ऐसा है घर जाओ। इंटीग्रल मल्टीपल में चीजें को मिलने को क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन। कोई भी चीज है वो उसके इंटीग्रल मल्टीपल में अगर मिलती है उसका एक मिनिमम क्वांटा होगा, उसके मल्टीपल में अगर चीजें मिलती हैं, जैसे मान लो आधा लीटर का मिल्क का पैकेट मिलता है तो आधे लीटर के मल्टीपल में अगर आप मिल्क पर ले पाओ तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ मिल्क। सिंपल सी बात है। अब मिनिमम क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, मिनिमम क्वांटा दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, समझ रहे हो बात को। न्यूनतम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बस इतना सा फर्क है। तो अभी अगर मान लो कहीं पर भी नेचर में आपने चार्ज देखा, किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है क्यू, तो वो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू एनी, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। भाई साहब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने आपसे कहा
क्या कहा उसने? कहा भाई साहब आई हैव अ बॉडी एंड इट इज हैविंग सर्टेन पॉजिटिव चार्ज इन इट एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 4×10⁻¹⁹ कूलाम। तो आप कहोगे भाई साहब आपकी बात एकदम गलत है, इट इज इम्पॉसिबल। कैसे कहा? आप कहोगे देखो भाई अगर ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर ये चार्ज है देन Q बाई E मस्ट बी एन इंटीजर होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना। अब आपने Q की वैल्यू रखी 4×10⁻¹⁹ upon 1.6×10⁻¹⁹। क्या ये इंटीजर है? इट इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। चेक कर लिया? Yes, sir. हाँ ये इंटीजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इफ यू आर टेलिंग समवन दैट द चार्ज ऑन अ बॉडी इज 4×10⁻¹⁹ कूलाम, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो भाई साहब ने कहीं से कुछ गड़बड़ किया है। समझ गए? ठीक yes, है। अच्छा अब और कोई बात प्रॉपर्टी कोई और चार्ज की? चार्ज की कोई और प्रॉपर्टी किसी के दिमाग में आ रही हो? नहीं आ रही? ठीक है चलो मैं बता देता हूं। कंजर्व क्या है? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज ऑलवेज हमेशा कंजर्व। हमेशा क्या? हमेशा क्या ये क्या हमेशा हमेशा लगा रखा है? इसका मतलब है देयर मे बी सर्टेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस फिजिकल केमिकल न्यूक्लियर। दुनिया की कोई भी रिएक्शन होगी चार्ज क्या होगा? मास नहीं होता है। मास का सुना होगा आपने? हाँ। और न्यूक्लियर रिएक्शन में सुना होगा मास गायब हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टाइन अंकल ने बताया था इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ना? बताया था। लेकिन चार्ज के बारे में किसी ने अभी तक नहीं बताया। अरे किसने बता दिया? मेरे को तो बताया नहीं, तेरे को कब पता गया? तो चार्ज इज लिखो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। रिएक्शन में भी फिजिकल केमिकल और न्यूक्लियर, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। जल्दी ले छाप लो। गया दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही नहीं है भैया। ठीक है अच्छा आप देखो ले कौन सा वाला बोल ले। अरे यार क्यू की वैल्यू 4×10⁻¹⁹ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा कंजर्व्ड भी हो गया चार्ज। कोई और प्रॉपर्टी ना आने लगे? बस बहुत हो गया भाई सब। चलो एक और लिखो। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स विथ मास। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स विथ मास। रिसाइड मतलब निवास करना। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स विथ मास। ठीक है। इफ देयर इज चार्ज देयर मस्ट बी मास। इफ देयर इज मास देयर मे और मे नॉट बी चार्ज। If there is charge, there must be mass. If there is mass, there may or may not be charge. जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। जहां जहां आग होगी धुआं होना जरूरी नहीं है भैया। नहीं समझ रहे बात? हाँ चार्ज resides with हाँ किसके साथ निवास करेगा? ऑलवेज हमेशा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी चीज के बारे में आप कह रहे हो कि इट पजेस चार्ज, इसका मतलब है वहां मास होगा ही होगा। लेकिन अगर मास होगा तो जरूरी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है और कोई प्रॉपर्टी है? लिख लो चार्ज इज एन इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट टू
रिफरेंस फ्रेम, ये क्या लिख दिया मैंने है? ये क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। चार्ज इज इनवेरिएंट टू रिफरेंस फ्रेम, मतलब बॉडी चली जाएगी, चार्ज वहीं रह जाएगा, फिर क्या? हाँ बिल्कुल सही बात, चाहे चलते हुए देखो, चाहे रुक के देखो, चिपताल से देखो, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिंपल सी बात है, मास चेंज होता है। आपने शायद ना सुना हो या सुना हो, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मास फ्रेम डिपेंडेंट होता है। आप दौड़ोगे तो आपका मास मुझे ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए स्टिल फोटोग्राफी ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। बोले सेल्फी ले लो, वीडियो ना बनाना क्योंकि उसमें मोटे दिखते ना। अरे मजाक कर रहा हूँ, तू सीरियस हो गई एकदम, बोले ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट टू रिफरेंस फ्रेम। ठीक है यार, बहुत हो गया चार्ज का, है ना। अब हम आ जाते हैं किसी और बात पर। अच्छा एक दो छोटी बात और। हाँ बेटा, सबसे छोटा क्वांटा है जो चार्ज का, वो होता है इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन ही है हमारे सिलेबस में, सिलेबस के बाहर मत जाना, नहीं तो तुम क्वार्क में चले जाओ। हमें मालूम था कि तुमने सुन रखा है, तुम्हें क्या लगता हमने नहीं सुन रखा है? अरे यार तुम यार ऐसे मजाक चल रहे यार। हाँ सिलेबस में होगा तो बहुत सारी चीजें घुसते चले जाओगे फिर। ठीक है चलो, अच्छा सुनो भाई, देखिए क्या है, चार्ज दो तरह से देख रहे हो आप, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और एक प्रोटोनिक चार्ज। इन जनरल आपको पता है कि यार अगर किसी न्यूक्लियस से प्रोटोनों को निकाला जाए तो वो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, एंड इट इज समवट लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आपको ये पता है कि न्यूक्लियस में जो चार्ज स्टोर्ड है उसको चेंज करना नियरली इम्पॉसिबल है इन डे टू डे केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब है वेन एवर यू आर चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, आप क्या करोगे, आप उसके इलेक्ट्रॉनों को का चेंज करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करोगे। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करना होगा, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे। जब आप इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालोगे तो उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन पहुंच लिए, उस पर चार्ज कैसा हो गया? अच्छा बताओ क्या ऑब्जेक्ट का मास घट गया कि बढ़ गया? हाँ, अरे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का मास भी तो कम हो जाएगा, फिर क्या यार। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो तो क्या उसका मास बदलेगा, घटेगा या बढ़ेगा? हाँ घटेगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसका चार्ज कैसा हो गया? हाँ नेगेटिवली चार्ज हो गई बॉडी। एक अगर आपने बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया तो फिर उसका मास बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा भाई साहब, समझ गए। उसकी वजह है क्योंकि आप जब भी चार्जिंग प्रोसेस कर रहे हो तो आप ये चार्जिंग प्रोसेस बाय गिविंग सम इलेक्ट्रॉन और बाय एक्सट्रैक्टिंग सम इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, समझ गए बात। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि भैया पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, कैसी बॉडी है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है अगर, तो आपको पता है कि इसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन आपने घटा दिए कुछ, और क्या किया, मास भी डिक्रीज कर दिया होगा, ना किया होगा। और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो क्या मतलब है इसका, तो क्या किया होगा, हाँ इसमें आपने कुछ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, और इसका मास भी क्या हो गया होगा, इंक्रीज कर गया होगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं, छापते चलिए। 30 सेकेंड, तो भाई
चार्ज वार्ज हो गया यार, बहुत है इतना है ना। और अब हम बात करेंगे कूलाम लॉ की। कूलम्स, ठीक है। तो कूलाम लॉ पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ, ठीक है। ये किसी को कोई आइडिया? वन अप। ये कब लगता है कूलम्स लॉ? दो चार्ज हो। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन याद रखिएगा, कूलम लॉ एप्लीकेबल बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्ज होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बहुत नेसेसरी कंडीशन है भाई। yes, है ना। और दूसरी बात, इंटरेक्शन फोर्स बाय कूलम लॉ, इंटरेक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन है ना। अब इसमें है क्या, इसमें उसने कहा कि अगर कोई एक चार्ज है, मान लीजिए Q1, इससे r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट चार्ज है Q2, चार्ज को कैसा बताया? पॉइंट चार्ज। बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट चार्ज है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बताओ Q2 पर किधर को फोर्स लगेगा? तो Q2 पर फोर्स इधर आएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं सामान्यतः F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। अभी इस पर फोर्स किधर लगेगा? एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्या ये? क्या ये एक्शन रिएक्शन है? है F12, ठीक है। ये F21 का अर्थ मतलब क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। और कूलम ने बताया था कि जो फोर्स है, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2। ये किसने बताया था? कूलम ने बताया था। अब ये क्या है? ये फोर्स है 1 के कारण 2 पर, फोर्स 2 की वजह से 1 पर, है ना। डायरेक्शन का हमें कैसे पता लगेगा? हमें पता है यार, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट होंगे तो, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। हम डायरेक्शन भी देख लेंगे। ये फोर्स केवल Q1 की वजह से किस पर लग रहा है? Q2 पर। इसमें कोई मुश्किल दिख रही है? नहीं, ठीक है। अच्छा अभी देखना ध्यान से, कई बार वो आपको ऐसे देगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर एक चार्ज है Q1, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक दूसरा चार्ज है Q2, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अभी Q2 पर फोर्स ऐसे लग रहा है, इस फोर्स को लिखना है हमें। अब हम कैसे लिखेंगे? अभी मैंने कहा चलो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब बताओ फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, इधर लगेगा। बोलने से काम नहीं चलेगा। बोले सवाल में पूछा किधर लगेगा, बोले इधर, ऐसे पेन से उसमें एरो बना दिए। उसका आपको वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना होगा। तो अभी मैग्नीट्यूड तो आप लिख दोगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन 2/1, मैग्नीट्यूड तो आपने लिख दिया। आपने लिखा 1/4πε0 Q1 Q2 / R2। आर फाइंड कर लेंगे क्या आप? कैसे? x2 - x1² + y2 - y1² हाँ। अब लेकिन ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे बताई जाती है? डायरेक्शन कैसे बताई जाती है? यूनिट वेक्टर से। किससे बताई जाती है? यूनिट वेक्टर से। अब मुझे यहां से इधर का यूनिट वेक्टर चाहिए। कहां से कहां का? 1 से 2 की तरफ यूनिट वेक्टर। इस दिशा में कोई वेक्टर बताओ।
यहां से यहां का वेक्टर बताओ। ना बता पाओगे? नहीं बता पा रहे, मत बताओ, मैं खुद लिख लूंगा, मेरे को भी आता है। ये वाला वेक्टर बताओ, इस दिशा में यूनिट वेक्टर आई वो आई कैप, इस दिशा में यूनिट वेक्टर, अभी यहां से यहां तक की लेंथ बताओ, एक्स टू माइनस एक्स वन, यार नहीं दिख रहा? तो अभी आप इसको लिखोगे एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस, हाँ तो अभी आपका फोर्स का फंक्शन क्या आ रहा है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर फॉर्म में, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर यू कैन फाइंड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइड क्यों कर रहे हैं यार सर, रूट कर, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है आपको, यहां लिखना है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर लिखने के लिए आपको किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर ले अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई वन होल स्क्वायर। नाउ भाई चापो, ये एप्साइलन नॉट क्या है भाई, हाँ? ये आपने फोर्स में लिखा था ना, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें ये कौन है एप्साइलन नॉट, इसका नाम क्या है, एप्साइलन नॉट, बोलो दो बार, हाँ ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेमतलब है, ये आया कहाँ, इसको लाया गया है, ठीक है। अच्छा देखना बहुत ध्यान से, ये टर्म एक आपको दिख रहा है ना, और ये फ्री स्पेस की कुछ परमिटिविटी, इसका कुछ नाम वाम दिया गया है, इसका मतलब ये है कि दीज टू चार्जेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम फ्री स्पेस, है ना, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि यू आर हैविंग द चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी का कुछ मतलब समझ में नहीं आता, परमिट करना किसी चीज को अलाउ करना, टू अप्लाई फोर्स बाय वन बॉडी या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरे जगह पर कोई जो फोर्स जा रहा है ना, अरे फोर्स लग रहा है ना, तो वो अलाउ करता है मीडियम, उसको कितना अलाउ करता है उसके बेसिस पर ये टर्म डिफाइन होता है। अब ये फ्री स्पेस है तो वहां कोई मीडियम ही नहीं है, है क्या? अच्छा लेकिन अगर मान लीजिए चार्ज एक क्यू वन है, ध्यान से देखना आप, और एक ये चार्ज है क्यू टू, अभी यहां पर मैं एक मीडियम रख दे रहा हूं, ठीक है, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट मीडियम है, ये क्या मतलब हुआ, इनफाइनाइट मीडियम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मीडियम का कोई किनारा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, उस कंडीशन में जब देयर इज अ लार्ज मीडियम Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन दैट लार्ज मीडियम देन इंटरेक्शन फोर्स बाय Q1 ऑन Q2। अब Q1 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स लगेगा कोई पूछेगा तो आपका आंसर क्या है, है ना, तो Q1 की वजह से जो Q2 पर फोर्स लगेगा वो अभी भी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। What is this? This is a force by one on two. ठीक है, पहले चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो यही रहेगा एज इट इज, लेकिन अगर आप Q2 पर चार्ज चेक करो, नेट फोर्स देखोगे तो वो जो नेट फोर्स है एफ नेट वो आ जाता है वन अपॉन फोर पाई एफ सम कॉन्स्टेंट के विच इज मोर देन वन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू हम देखते हैं कि स्पेस में फ्री स्पेस में वैक्यूम में रहती है वन, लेकिन अगर कोई मीडियम रख दी जाए तो मोर देन वन आ जाती है, उस कंडीशन में वी विल ऑब्जर्व दैट नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज कुछ कम हो गया है भाई, काहे कम हो गया यार, तो मीडियम ने क्या कर दिया ऐसा यार,
मीडियम खुद फोर्स लगा रहे है क्या? हाँ मीडियम लगा रहा है। अरे कैसे कम हो जाएगा फोर्स? कुछ तो कर ही रहा होगा। फोर्स को कम करने के लिए फोर्स चाहिए। अरे अपोजिट में फोर्स चाहिए यार भाई, मान जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली इस डायरेक्शन में मीडियम की वजह से कोई फोर्स आया होगा, और पहले चार्ज की वजह से जो फोर्स था उसमें से ये फोर्स कुछ कम हुआ होगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स ही आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q2 ऑन बाय मीडियम, फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 बाय मीडियम, तो आप बोलोगे यार ऐसे इसमें से इसको घटा के इसके बराबर कर रहे हो, हाँ मीडियम का फोर्स आ जाएगा। हाँ तो निकाल लो जरा, बताओ कितना आता है। ऐसा ही Q1 के साथ भी होगा भैया। ये K कौन है भाई? ये K कौन है? हाँ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेरी बात सुन ले हो, एक बार और सुन ले हो। ये जो एप्साइलन नॉट के है ना, इसको कुछ लोग एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर भी कहते हैं। अरे कहते हैं यार क्योंकि अबे तुम्हारा नाम पिताजी ने रखा था, तुमने पूछा क्यों? हाँ अभी ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और इसको सीधे सीधे एप्सिलॉन आईएम भी कहते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मीडियम की परमिटिविटी। जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया था इस फ्री स्पेस में, तो मीडियम में इसको एप्सिलॉन एम कह देंगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इधर के एप्सिलॉन नॉट, और के इज ऑल्सो नोन एज एप्सिलॉन आर। व्हाट इज एप्सिलॉन आर? अरे के तो है रिलेटिव परमिटिविटी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को कुछ तो और बोलेंगे ना यार, रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन एम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, हाँ बस बस बस। चलो थोड़ी प्रैक्टिस करो। मीडियम के बारे में ना आप लोग कैपेसिटर जब पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। अभी हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हल्का सा ले लेते हैं, ताकि इंट्रोडक्शन हो जाए, चीज़ें अजीब सी ना लगें, पर अचानक से वो मीडियम आएगा तो घबराहट ना हो। ठीक है, आप तो एक छोटा सा सवाल करके दिखाओ। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर एक चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है 2.3.4 है, ये है Q2, और Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम। 1/4 pi epsilon naught इज इक्वल टू 9×10⁻⁹। फाइंड फोर्स ऑन, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 दैट इज F12 इन वेक्टर फॉर्म। तीस सेकंड में लिखना है, एग्जाम्पल है ये। लिख दिए सब लोग? देखो बताओ, चलो बताओ क्या रखा है यहाँ पर। 9×10⁻⁹ Q1 माइक्रो मतलब -6, माइक्रो मतलब, और ठीक है Q2 की वैल्यू बोलो 4×10⁻⁶। डिस्टेंस स्क्वायर बोलो 2² + 3² + 4² ये तो फोर्स आ गया भैया। डायरेक्शन लिखना अभी बाकी है। डायरेक्शन कैसे लिखोगे? वेक्टर कौन सा है? इस पर फोर्स लगेगा इधर को। चलो बोलो वेक्टर
आए कौन बोल लिया था, बोलो भाई। अरे यार देख लो यार, ऐसे गड़बड़ मत कर देना। ऐसे ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है मान लो पी, आपको लिखना है पीओ वेक्टर, क्या करोगे ओ माइनस पी या पी माइनस ओ? अच्छा चलो कोई, अरे बस बस बस, इधर देखो इधर देखो, यहां पर एक पॉइंट है 2,0, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी ए वेक्टर क्या लिखोगे, 2i कैप या -2i कैप? 2i कैप कैसे लिखा? बी ए बोला था तो 2i कैप कैसे लिखा? 2 माइनस 0। अरे यार ये तुमको आता है यार, तुमको जो चीजें आती हैं वहीं से ये बात भी आनी चाहिए। तुमको अभी पता है यहां पर कि तुमने ए माइनस बी लिखा है, जब बी ए लिखना था तो, है ना? ये तुम्हें पता है 100%। तो अगर यहां ये बात तुम्हें पता है तो दुनिया की हर जगह ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो अगर आपको ये वेक्टर चाहिए तो आपको क्या लिखना है? हाँ तो ओ माइनस पी बताओ जल्दी, यहां पर 0 माइनस 2i कैप प्लस 0 माइनस 3j कैप प्लस 0 माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय √2² 3² 4² मुश्किल है ये? और इसको सिंपलीफाई कर लेगा कोई भी आसानी से, न कर पाएगा और फिर क्या, और छपाई साथ साथ चलेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मिठाई तो मैं कर ही रहा हूं। ये एक फिक्स चार्ज है भाइयों, यहाँ पर भी एक चार्ज फिक्स कर दिया गया वाई एक्सिस पर, इसकी वैल्यू है क्यू, कहाँ रखा है और ये चार्ज कितना है, ये इधर क्यू आप प्लस ही है यार, अरे यार बड़ी समस्या है, लियो प्लस, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं और यहाँ पर इसको क्या किया, फिक्स कर दिया। अभी यहाँ पर एक चार्ज रख दिया गया है और ये चार्ज है माइनस नेगेटिव चार्ज, कैपिटल क्यू है, इसका मास है एम, समझ रहे हो बात को? अभी ये बताओ कि माइनस क्यू चार्ज को इफ यू विल रिलीज इट हेयर क्या करोगे, देन इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, टुवर्ड ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन? अवे फ्रॉम ओरिजिन। If I will release this negative charge, in which direction it will move, toward origin or away from origin? ऐसे बताना पड़ रहा है, toward origin. अबे बे गरीबो, towards origin. हाँ सही है सही है। अब देखो ये दोनों तो fixed है, बात सुनते रहना, ये भी fixed है ये भी fixed है, ये fixed क्यों है? इसका मतलब है देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल एजेंट होल्डिंग दिस चार्ज हियर, कोई होगा? Yes, कौन होगा? कोई होगा यार, अब क्या फेवी क्विक हो सकती है? एंड विच इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज टू कीप इट स्टेशनरी, बट इफ यू आर रिलीजिंग दैट चार्ज इट विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस टू फोर्स, वन बाय दिस चार्ज प्लस क्यू and another force by this charge plus q, समझ रहे भाई साहब? कहां पर रखे थे उसको, कहां छोड़े थे? सपोज यू आर रिलीजिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन कैपिटल q? राइट, जल्दी फाइंड करो नेट फोर्स ऑन कैपिटल q, f की वैल्यू बताओ, f की वैल्यू बताओ,
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू बाई, अरे यार डिस्टेंस बता यार, ये यार ये वाली ये डिस्टेंस है ए, ये एक्स पाइथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ना भाई जब नरेगा से उठा लाए लोग हम समझ गए ठीक है। अच्छा अब एफ की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी आपको पता है कि इफ दिस एंगल इज सपोज थीटा इट इज अगेन थीटा देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ दिस कैपिटल एफ हेयर एफ कॉस थीटा हेयर व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ एफ एफ साइन थीटा। अभी इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा दिख रहा है और इधर कंपोनेंट और ये दोनों उड़ गए और ये दोनों जुड़ गए तो एफ नेट की वैल्यू क्या बताओगे 2f cos थीटा cos थीटा की वैल्यू बहुत ही बढ़िया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इनटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा एक्स अपॉन एंगल नहीं दिख रहा तुमको ये एक्स ये ए ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये थीटा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई साहब चमकना रही है कुछ भी पक्का। अच्छा देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ 3/2 और मैंने इसको इसका रूप बदल दिया है। आप इसका रूप नहीं देख पा रहे, कहां देख पा रहे यार एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये देखो मैंने 2q लिख दिया 2q कौन छूट गया आ रहा है वो यार अभी ये आ गया हाँ तुम समझ गए दो हैं तो ये याद रखना आसान होगा भाई है ना। अरे आया कहीं से भी हो याद करना आसान है दो हैं तो दो हैं ठीक है। मुझे पेन चाहिए दो देख लियो अब ये ऐसे करके ऐसे इधर देखते रहना सारे लोग। यहां पर एक चार्ज रखा Q कितना चार्ज है यहाँ Q यहाँ यहाँ कितने Q 4Q अभी Q Q Q Q देख रहे हो यहां से x डिस्टेंस ऊपर का एक पॉइंट है यहां पर एक कैपिटल Q यहाँ क्या है कैपिटल क्यू दिख रहा है ले तीसरा पेन दो ये जानलेवा होने वाला भाई साहब इधर देखते रहो अभी यहां पर क्यू 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 अभी चार्ज गिर जाता भाई साहब नीचे अभी यहां पर एक पॉइंट है जिस पर है कैपिटल क्यू तीसरा चौथा पांचवा अभी इस छोटे क्यू की वजह से स्मॉल क्यू की वजह से इस पर फोर्स बताना है ये डिस्टेंस है ए ये वाली डिस्टेंस कितनी है ए ए ए एक्स इधर फोर्स लगेगा इस क्यू की वजह से इधर कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सुनते रहना ध्यान से अभी जैसे ये वाला चार्ज था इससे फोर्स आया एफ इसका कॉस थीटा इधर साइन थीटा इधर समझ अरे काम भी नहीं रुक जाओ यहां से एक फोर्स है एफ कॉस थीटा इधर साइन थीटा इधर ठीक है यहां से फोर्स है एफ
कॉस थीटा इधर, साइन थीटा किधर, साइन थीटा इधर, यहां से एक फोर्स है एफ, कॉस थीटा इधर, साइन थीटा इधर, एक एफ साइन थीटा इधर, एक इधर, एक एफ साइन थीटा इधर, एक इधर, और चार एफ कॉस थीटा ऊपर, व्हाट इज नेट फोर्स? आओ समझ गए क्यू क्यू, ये थोड़ा अच्छा ऐसे टेढ़ा हो जा रहा है भाई साहब, इसमें मेरी उंगलियों का दोष है, ये ऐसे क्यू 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 क्यू, यहां कैपिटल क्यू, ये फोर क्यू जो चार्ज है इसकी वजह से यहां फोर्स चाहिए, कितना फोर्स आया आंसर बताओ, फोर एफ को आई डोंट लाइक फोर एफ कॉस थीटा, अब मैं बोलूंगा सब सुनेंगे, पक्की बात है, ये लो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू ऊपर एक्स, छूट गया था नहीं समझे बात, ये कितने क्यू है तुम्हारी समझ में नहीं आया, अभी फोर एफ कॉस थीटा का मैं वैल्यू बता रहा हूं यहां पर फोर्स की वैल्यू, और मैं बता रहा हूं ये तुम्हें ओरल देनी होगी, ये बात ओरल आनी चाहिए, इधर सवाल दिया इधर आंसर, ठीक है आंसर बोल रहा हूं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर क्यू कैपिटल क्यू अपॉन टू दी पावर ऊपर एक्स, ना पाएगा कोई पूछेगा ही नहीं पूछेगा ही नहीं कोई तो कैसे बताओगे, ये लो कोई नहीं पूछ रहा तुमसे सवाल, सवाल दूसरा पूछूंगा मैं, पूछ लूं? Yes, sir. अब मैं जो पूछने वाला हूं भाई सब जानलेवा होने वाला है, अभी तुमने ये लिखा नहीं, 30 सेकंड, सब हटा दे आठ, ये एक रिंग है, क्या है ये दिख रही है आपको, इस पर कुछ चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है भैया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, कैपिटल क्यू ऑन रिंग, रिंग पर कितना चार्ज है और रिंग की रेडियस दे देते हैं आपको, दैट इज सपोज कैपिटल आर, इसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, और यहां मैं छोटा वाला रख ले रहा हूं, घबराने की कोई बात, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, अभी आपको रिंग पर जो चार्ज है ना उसकी वजह से स्मॉल क्यू पर फोर्स बताना है, और वो भी ओरल, बोले हाँ बता देंगे चिंता ना करो, बोले बताओ, बोले नहीं बताओ वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स, हाँ हाँ वो कड़ा है किसी पे कड़ा 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 नहीं क्या आ गया हाथ में तोड़ लेना अपना, बोले ये देखिए ये ऐसे इस पर चार्ज है प्लस 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 ऐसे सिमेट्री में चार्ज है ना, इसमें पूरे में चार्ज पहन दे, अभी क्या है कि ये कड़ा था इसको मैंने ऐसे हाथ पर रखा, यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड चाहिए चाहिए, तो ये पकड़ो इस पर मुझे फील्ड चाहिए, तो मैं थोड़ा ऐसे हाथ बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही हाथ बढ़ाना वाला वहां, हाँ ऐसे इसको पकड़ो रिंग को, अभी देखना ध्यान से, अभी क्या है कि यहां पर एक्सिस पर फील्ड फोर्स चाहिए मेरे को चाहिए, अभी क्या होगा यहां पर एक चार्ज होगा छोटा सा टुकड़ा, अरे पूरे में कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई साहब, यहां पर एक छोटा सा चार्ज है टुकड़ा उसका, उसके सामने भी एक टुकड़ा है, इसका फोर्स आएगा इधर, इसका भी फोर्स आएगा इधर,
और सबके कॉस थीटा हो जाएंगे। हाँ, तो सबके जब कॉस थीटा मिलेंगे तो सब सारा चार्ज क्या है क्यू। तो अभी फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन 3/2। ऊपर वो एक्स भूलना ना, भूलना ना, भूलना। हाँ समझ गए, लियो भाई से बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। अभी आपने मुझे फोर्स बता दिया और वो फोर्स है 1/4πε0 क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स। इसमें कोई डाउट है आपको, कोई दिक्कत है? आप लोगों में से कितने लोगों ने SHM का नाम सुना है? सुना है भैया, तुमने कुछ नहीं सुना, ऐसे कुल्ले और हाथ ऐसे बांध के क्या बैठे हो? हाँ बोलो। कैपिटल क्यू, यहाँ पर मैंने बताया था 2q था तो 2q आया था, 4q था तो 4q आया था। यहाँ पर जो टर्म आता था वो टोटल चार्ज ही तो आता था यहाँ का, तो अब वो क्यू हो गया। अगर टोटल तो टोटल क्यू आ गया, तुम्हारी दूर की दृष्टि कमजोर लग रही मेरे को। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुन लो, जिन्होंने SHM नहीं भी पढ़ा है इवन दे कैन अंडरस्टैंड इट। अभी अगर मैं आपसे कहूं ये चार्ज पॉजिटिव था क्या? ये भी पॉजिटिव था तो फोर्स रिपल्शन का हो गया, ठीक है। अभी मैंने कहा यार अगर रिंग है, ध्यान से देखना, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा बात को, ठीक है। इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इसको कर दिया मैंने फिक्स्ड, क्या किया फिक्स्ड। अभी मैंने कहा यार यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक चार्ज, निगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज स्मॉल क्यू ऑफ मास m, इसको रिलीज कर दिया, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इसको तो फिक्स कर दिया, रिंग को तो फिक्स कर दिया, और उस चार्ज को एक्सिस पर छोड़ दिया। अब ये अभी इसको छोड़ दिया, फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ फोर्स लगेगा। और याद रखो, चाहे पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ, अगर ये जो फोर्स लग रहा है इस पर, ये इसको मीन पोजीशन की तरफ लगे, मीन पोजीशन मतलब सुनते रहना, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको भी समझ लेना है, गधे नहीं है वो लोग भी, होशियार है मुझे पता है। मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, इस मींस फोर्स जीरो। तो अगर ये फोर्स की वैल्यू जो कैपिटल F देख रहे हो ना, फोर्स लग रहा है ना ऑब्जेक्ट पर, अगर ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x और इक्वल टू -kx आ जाए, कितना आ जाए, k कोई कांस्टेंट होगा यार, इट मे हैव एनी वैल्यू, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस कंडीशन में SHM होगा। और अगर F प्रोपोर्शनल टू kx नहीं आए तो नहीं होगा। SHM कब होगा, कब होगा, ये माइनस क्या है इसमें, माइनस क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ शिफ्टेड है तो फोर्स उल्टा लगेगा, और इधर शिफ्ट करोगे फोर्स इधर लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इफ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये रीस्टोरिंग कहलाता है। अगर फोर्स, आप चार्ज को ऐसे दूर ले गए और फोर्स कह रहा है ले आओ खींच के वापस, और इधर ले गए इधर ले आओ खींच के, मतलब रीस्टोर कर रहा है उसको, कहां है रीस्टोर, हाँ। तो अगर फोर्स रीस्टोरिंग होगा, इसका मतलब है वो चार्ज को खींच के वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लाएगा, उसको शो करने के लिए हम यहां क्या लगाते, और अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है 2π√m/k। इतना अभी सबको दिमाग में रखना है, समझ गए, ये दो बातें याद रहेंगी। हाँ तो अभी मेरे को कहा जा रहा है कि भाई साहब देयर इज अ रिंग, इट इज फिक्स्ड, हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कैपिटल क्यू, अ स्मॉल चार्ज माइनस क्यू इज रिलीज्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस एक्स। कहां छोड़ा चार्ज को,
एक्स डिस्टेंस पर सेंटर से छोड़ दिया। उसने कहा कि कंडीशन बताओ कि मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। क्या कहा? कंडीशन बताओ, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर विच ये एसएचएम करेगा। हमने कहा रुक जाओ, टेरो फोर्स ये है। अरे ये फोर्स हमने फाइंड किया था। अब ये फोर्स जो है वो के एक्स जैसा नहीं दिख रहे मेरे को। इसमें ये पूरा टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब हो सकता है? जब ये एक्स इस ए स्क्वायर के सामने बहुत 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 छोटा, देन ओनली यू कैन निग्लेक्ट दिस एक्स इन फ्रंट ऑफ ए। नहीं समझ रहे बात? अगर ये एक्स की वैल्यू, ये टर्म कांस्टेंट चाहिए मेरे को, और एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल निग्लेजिबल हो जाए अगर ए के सामने, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा। समझ गए बात? तो अभी एसएचएम की कंडीशन क्या है? व्हाट आर द कंडीशन फॉर एसएचएम? हाँ जी, तो आप बोलोगे एक्स इज वेरी 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 लेस देन ए। अरे होगा यार, हाँ अगर एक्स लेस देन ए हुआ तो फोर्स की वैल्यू बोलो जरा। 1/4πε0 क्यू क्यू बाई ए क्यूब। ए क्यूब बन गया यार, ठीक है ठीक है। और ये हो गया एक्स, और ये माइनस क्यों लगा है? क्योंकि रीस्टोरिंग है ना। आओ, और ये बन गया के की तरह बिहेव करेगा। टाइम पीरियड बोलिए जरा, 2π√m/4πa³qq। ना हो पाएगा? टाइम पीरियड आ गया, पक्की बात है। अच्छा, लेकिन अगर 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 कोई आपसे कहे कि दिस पार्टिकल रिलीज एट अ डिस्टेंस a/2, कहां छोड़ा? उसने कहा दिस पार्टिकल रिलीज एट डिस्टेंस ऑफ a/2 इज मोशन सिंपल हार्मोनिक। आप बोलोगे मजाक चल रहे, एक्स की वैल्यू तो ए से बहुत कम होनी चाहिए। ये तो आप a/2 बोल रहे हो, एंड a/2 इज नॉट वेरी लेस देन ए। अगर उसने बोला कि एक्स की वैल्यू है, मान लो हमने जहां छोड़ा वो था 2a के बराबर, इज मोशन सिंपल हार्मोनिक। आपको क्या है? अच्छा, वो बोलेगा क्या मोशन पीरियोडिक है? तो आपको देखो भाई साहब, ऐसा है कि जाएगा आएगा जाए वो तो करेगा, ऑसिलेटरी भी है पीरियोडिक भी है, मतलब नहीं वो ही नहीं है, बस वही वो नहीं है। समझ गया बात? ठीक है, 30 सेकेंड डन, लिख लिया सबने? अबे जल्दी छापो, जल्दी छापो, चलो पूछ लो इन बिटवीन, जल्दी से पूछो। इनसे मिलिएगा, ये आपकी भ्रांतियां दूर करेंगे। तुम भी नहीं कर पाओगे। रीस्टोरिंग का मतलब क्या है? तुम्हारा शहर का नाम क्या है? हाँ, बिहार शरीफ। वहां पर कोई शरीफ आदमी बचा कि नहीं अभी? अरे भाई, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स है वो इसको मीन पोजीशन की तरफ खींच के ला रहा है। तो अगर फोर्स उसके इसके इक्विलिब्रियम की तरफ खींच के लाएगा, तो इक्विलिब्रियम पर रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? रीस्टोरिंग। और कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो भाई, हो गया ना? अब तो अब ध्यान से देखना, खतरा बढ़ गया है। अभी ये रिंग थी, ठीक है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत संभल के देखना। अभी क्या है कि आपको पता है कि यार
यहां पर अगर मान लीजिए आप कोई चार्ज रखते हो प्लस क्यू सॉरी स्मॉल क्यू एट अ डिस्टेंस एक्स, इसकी रेडियस है मान लो आर के बराबर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ये आपको पता है? देखो अब क्या है कि सुन तो लो, वो 1/4πε0 को लिख लिख के यार थक गया यार, उसको सीधे के लिख देंगे कोई इशू तो नहीं, तुम्हारा नाम मैं भूल जाता हूँ यार। हाँ धीरज धीरज आप तो यहाँ सुनते रहना, ठीक है? तो ये फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये केवल धीरज को बताने दो। फिर से बताओ क्यू नॉट इसमें कोई है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, जल्दी जल्दी बोलो, ये तो गलत बोल रहे हो तुम, ऐसे नहीं चलता है पावर। अच्छा पावर 3/2, अच्छा 3/2 फेंक दिया उस तरफ भाई साहब एक बार में याद नहीं हो रहा है कुछ, इधर उधर दिमाग लगा रहे हो तुम, ये फोर्स लगेगा ठीक है ना। अच्छा अब देखो अगर मैंने कहा कि इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो फोर्स कितना आएगा, जीरो। अच्छा आप लोगों ने वो सुना है, वो नहीं सुना आपने, कुछ भी नहीं सुना, बोले जीवन सुना सुना है, सुना कुछ भी नहीं है। अगर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया जाए तो नीचे वाला टर्म देखो टू दी पावर 3/2 है, ऊपर वाला टर्म एक्स का 1 है पावर, यहां पावर एक्स की कितनी आएगी 3/2, और इफ एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी तो ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, अब ऊपर वाला इंफिनिटी छोटा और नीचे वाला इंफिनिटी बड़ा, तो बताओ क्या आएगा? अरे यार ऐसे समझना पड़ता है भाई साहब, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी डिफाइंड, अरे जीरो हो जाएगा यार। अच्छा वैसे ही सोचो, चलो मैथ्स खत्म, मैथ्स खत्म फिजिक्स शुरू। यहां पर सेंटर पर अगर क्यू नॉट को रखोगे तो चारों तरफ से फोर्स लगेंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो गया। अगर आप इससे बहुत दूर ले जाओ तो क्या ये चार्ज उस पर फोर्स लगा पाएगा? अरे इनफाइनाइट में लेगा यार, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी लगा देगा फोर्स, हल्का हल्का क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तो फिर तो जीरो हो गया ना यार। हाँ इसका मतलब ये हुआ, सुनते रहना, जब x की वैल्यू जीरो तो भी फोर्स जीरो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो f भी टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब है फोर्स हमेशा जीरो ही रहेगा क्या? पहले भी जीरो, यहां भी जीरो होता, इंफिनिटी पर भी जीरो होता, तो बीच में बड़ा होगा फिर घटा होगा। देयर मस्ट बी अ मैक्सिमा, देयर मस्ट बी अ मैक्सिमा, क्योंकि बड़ा होगा और घटा होगा, एक मैक्सिमा आया होगा कम से कम। तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं? डिवाइड बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। अब करो भैया जल्दी से, अब आप df बाई डी एक्स को जीरो करोगे तो आपको मिलेगा कुछ पता नहीं क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू r बाई रूट टू, ये आप डिफरेंशिएट, इसको जीरो करोगे तो आपको x की, इसको जीरो करोगे इसको डिफरेंशिएट करके तो x की वैल्यू मिलेगी r बाई रूट टू, और वो क्या हो, कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलने वाली है? एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट टू पर, इसको डिफरेंशिएट करके जब जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, और वो ये एक वैल्यू ये वाली मिलेगी, एक और मिलेगी माइनस आर बाई रूट टू पर, एक इस तरफ एक इस तरफ, बात समझ गए? ध्यान से देखते रहना, अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। अभी देखो अगर मैं फोर्स को ग्राफिकली दिखाऊंगा तो ये फोर्स ऐसे जाएगा, दूसरी तरफ फोर्स का ग्राफ ऐसा जाएगा, ये जो पोजीशन है ये r बाई रूट टू, यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो माइनस r बाई रूट टू, और ये फोर्स अपने पीक पर पहुंचेगा, इसके बाद इस तरफ ये फिर घटते घटते जीरो हो जाएगा, यहां से घटते बढ़ते बढ़ते r बाई रूट टू पर मैक्सिमम, और फिर घटते घटते जीरो, ये क्या है? फोर्स की वैल्यू। ये ग्राफ दिखा दिया है मैंने, समझ में आ गया?
इसको बना लियो। चलो अब देखना, एक आखिरी आ रहे भाई, बस बस हम बस 2 मिनट बस पढ़ाते ही रहें। देखना अच्छा, बहुत ध्यान से देखना, वो कड़ा गंगे यार देना यार, जरा आराम से आराम से। देखो अभी क्या है कि ये एक रिंग है, इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ूंगा तो ये तो गिर जाएगा। अगर ये चार्ज होता शायद तो ये शायद रुक जाता या ऊपर जाता, नीचे भी जा सकता था। लेकिन आपको एक बात बहुत सिंपल सी पता है कि इफ यू विल रिलीज अ पॉजिटिव चार्ज एयर, इट विल एक्सपीरियंस टू फोर्सेस, वन इज mg, अनदर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। नहीं दिखाई दे रहा? अगर आप इसकी एक्सिस पर किसी चार्ज को यहां पर छोड़ दो, इट मे गो डाउन अप और इट मे रेस्ट एट दैट पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन mg ज्यादा है तो नीचे जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा है और अगर दोनों बराबर हैं तो वही रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि भैया एक रिंग है, इस रिंग पर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन कुछ ऐसा पता था, वो फोर्स का फंक्शन, ये फोर्स पहले बढ़ता है फिर घटता है, R/√2 तक फोर्स क्या होता है, बड़ा मैक्सिमम आता है। अभी मैंने कहा यार ऐसा है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, इस पर नीचे लगा mg, क्या लगा नीचे mg, ऊपर की तरफ फोर्स लगा qe, कुछ फोर्स लगा fe, लगेगा yes, अभी मैंने कहा समझाने के लिए, मैंने कहा यार ये mg की वैल्यू है मान लो 10 और fe की वैल्यू है 10, बताओ ये किधर जाएगा, रुका रहेगा पक्का? अच्छा फिर से सुनना, लेकिन अगर मैं इस चार्ज को, ये इसके इक्विलिब्रियम हो गया, अरे हो गया, अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा नीचे लाऊं तो ये किधर जाएगा, काहे अगर मैं उसे इक्विलिब्रियम से थोड़ा नीचे ले आऊं, mg भी 10 था, यहां ले आया मैं चार्ज को यहां से यहां, mg कितना 10 और f इलेक्ट्रोस्टैटिक 10 से कम, अरे यार यहां पर मैक्सिमम था, इधर पे कुछ उससे कम, इधर और कम और इधर 0। तो अभी आपको पता है कि एफ की वैल्यू हो गई 10 से और मैंने छोड़ दिया नीचे गया। अब अगर भाई साहब ये इक्विलिब्रियम तो था लेकिन अनस्टेबल, अनस्टेबल क्यों? क्योंकि इफ यू आर डिस्प्लेसिंग इट अ लिटिल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज नॉट टुवर्ड इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। और अगर रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले आता तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता, पक्की बात है, ठीक है। चलो आज के लिए आए, अगर यहां छोड़ा और यहां छोड़ने के बाद ये वापस ऊपर नहीं गया तो फिर ये जहां इसका मन करे जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम इस जगह पर नहीं माना जाएगा। नहीं समझे बात? इसको इसकी इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्प्लेस किया एंड इफ इट इज नॉट गोइंग बैक टू दैट इक्विलिब्रियम देन स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, समझ गए ना बात? उसके बाद ये नीचे से नीचे उल्टा जाए, वापस लौट के वहीं आए, जो मन करे करो भाई साहब, है ना।
ठीक है चलो।